इसी हेलीकॉप्टर से योगी आदित्यनाथ बलबड्डा के राम सुंदर उच्च विद्यालय मैदान पर उतरे, महागामा की रैली को संबोधित किया। देखिए किस तरीके से दूर दराज गांव देहात से लोग योगी को सुनने आए थे। योगी ने आकर इस सभा को संबोधित किया, जमकर यहां पर जय श्री राम के नारे भी गूंजे। योगी के समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा था। देखिए किस तरीके से दूर दराज से लोग आकर टकटकी लगाकर एक झलक पाने के लिए बेताब है। वहां पर जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि महागामा में जीत मानो तय ही समझिए, योगी आए हैं। देखिए योगी जब मंच पे दहाड़े तो किस तरीके से कांग्रेस को लपेटा। उन्होंने कहा कि ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को दोबारा नहीं मिल सकता है। मोदी जी के कार्यों की सराहना करते हुए, झारखंड में रघुवर सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए अशोक कुमार भगत के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा जमकर बरसे और कहा राम मंदिर भी जल्द ही बनेगा। आइए हम दिखाते हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महागामा की रैली को संबोधित किया। उसके कुछ अंश आपको सुनवाते हैं और ये बताते हैं एक एक शौचालय उपलब्ध कराया गया। आजादी के बाद कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक देश के अंदर शासन किया, लेकिन गरीब को विद्युत का कनेक्शन भी नहीं दे पाए और गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन भी नहीं दे पाए। मोदी जी ने 5 वर्ष में 4 करोड़ परिवारों को विद्युत का कनेक्शन और 8 करोड़ इन माताओं को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन देने का कार्य भी किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और यही नहीं भाइयों बहनों, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य बीमा के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आप याद करिए, एक तरफ गरीब के लिए समर्पित, किसान के लिए समर्पित, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध और भारत के विकास को दुनिया की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार है। चाहे आप केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो और चाहे वह झारखंड के अंदर श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व की सरकार हो, इन सभी सरकारों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 5 वर्ष गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित, देश के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए समर्पित और आगामी 5 वर्ष इस देश की उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समर्पित जो आजादी के बाद से ही हर भारतीय देखने की तमन्ना करता था। भाइयों बहनों, आप में से हर व्यक्ति जानता है इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ है कांग्रेस, इस देश के अंदर बेईमानी की जड़ है कांग्रेस, इस देश के अंदर गरीबों के हकों में डकैती डालने की जड़ है कांग्रेस, इस देश में नक्सलवाद और देश में आतंकवाद का कारण है कांग्रेस, इस देश में भाई भतीजेवाद का कारण है कांग्रेस, परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का कारण है कांग्रेस। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं जो कांग्रेस देश के विकास में बाधक है उस कांग्रेस को और उसके सहयोगी आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और यही तो अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। अगर कांग्रेस इस देश के गरीबों के बारे में सोचती, किसानों के बारे में सोचती, महिलाओं के बारे में सोचती, नौजवानों के बारे में सोचती तो वास्तव में भ्रष्टाचार नहीं पनपता, गरीबों का शोषण नहीं होता। कश्मीर में उग्रवाद और आतंक
लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने गरीबों का भी कल्याण किया और उन्होंने नौजवानों की नौकरी और रोजगार की व्यवस्था भी की। महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन देने का अभियान रहा हो, हर गरीब परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, ये कार्य तो किया ही।